ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5x इंटू 2x² y² प्लस 0.5x इंटू 1.5xy³। तो 0.5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 10 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो बैक से काउंट करेंगे 1 डॉट, तो 1.0 यानी कि 1, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2, ये 1 हो जाएगा आगे जाके x², तो ये हमारा हो गया x² y² प्लस 0.5 इंटू 1.5 x x इंटू x, 2x यहाँ पे है y³, तो ये हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा x² y² 1 इंटू x² y² x² y² होगा प्लस 0.5 इंटू 1.5, तो 15 इंटू 5 75। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट होने चाहिए, तो बैक से काउंट करेंगे 1 2 डॉट, तो 0.75 होगा। तो 0.75 एक्स इंटू एक्स हमारा x² y³, तो ये हमारा आंसर हुआ। अभी एल एच एस आर एच एस का वैल्यू देखेंगे। पुटिंग एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू -1, वी गेट एल एच एस हमारा है 0.5 x 2x² y² प्लस 1.5 x y³ इक्वल टू 0.5 एक्स हमारा 2 है, 2 इंटू 2² y हमारा -1 है, -1² प्लस 1.5 x हमारा 2 है, y हमारा -1 है, -1³। तो यहाँ ऑड पार होने से -1 होता है, तो ये 0.5 इंटू 2 जैसे मैं पहले बताई थी 1 है, तो ये 1 हो गया हमारा। देन ये 2 इंटू 2, 2² मतलब 2 इंटू 2 4 है, 2 इंटू 4 -1² -1 प्लस 1.5 इंटू 2, तो 15 इंटू 2 30 है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 1 डॉट, 3.0 यानी 3। तो ये हमारा, तो 1.5 इंटू 2 हमारा 3 है, और -1³ मतलब -1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 8 प्लस, इस ब्रैकेट को रहने देते हैं, इस टाइप ऑफ ब्रैकेट को, तो 3 इंटू 1 -3 है इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस माइनस यानी कि -3 इक्वल टू 1 इंटू 5 इक्वल टू 5, तो इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट है आर एच एस, तो आर एच एस हमारा है x² y² प्लस 0.75 x² y³ इक्वल टू 2² इंटू -1² प्लस 0.75 इंटू 2² -1³। तो 2² ये हमारा -1² 1 है, तो 2² हमारा 4 है, 4 प्लस 0.75 इंटू 2² 4 है, -1³ -1 है इक्वल टू 4 प्लस, तो 0.75 इंटू 4 है, तो 4 5 20, 0 रख के 2, 4 7 28 प्लस 2 30, 300 है, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, बैक से काउंट करें 1 2 डॉट, 3.00 यानी 3 है, और 3 इंटू -1 हमारा -3 है। तो यहाँ हमारा, यहाँ x है, तो मेरा ये यहाँ पे छूट गया था x इंटू x², तो ये हमारा x³ हो जाएगा, x³ y² फिर ये हमारा ठीक है, तो x³ y² हो जाएगा, तो 2³ हो जाएगा ये, फिर तो 2³ हमारा 8 है, और ये -1² 1 है,
तो ये 8 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेरा, मैं आपको ओनली एक्स स्क्वायर बताई थी, लेकिन यहाँ 0.5 के बाद x था, तो हम लोग x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे ऐसे।